और भाई ये नज़ारा देखो, हरिद्वार के बहुत सारे वीडियोस में इस मूर्ति को देखा हुआ देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेही, कैसे हो आप सब। तो भाई फाइनली वो जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और भाई मैंने बाइक पे अपना बैग लगा दिया है और भाई देखो क्या मस्त लग रही है बाइक। तो अभी 10 मिनट या 15 मिनट में अपन लोग निकलते हैं। ठीक है भाई, चलो। हाँ ठीक है, ठीक है मम्मी। तो भाई अभी बाइक वाइक सब रेडी है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। आवाज़ अगर जैसी भी आ रही हो प्लीज़ देख लेना। तो भाई ये रहे मेरे ग्लव्स और भाई करते हैं अब आज की जर्नी स्टार्ट। तो ये रहा स्टार्ट बटन, तो बोलते भाई हर हर महादेव। ये क्या आ गया, ठीक है। तो भाई अभी टोटल है हमारा 248 किलोमीटर, जो कि मुझे लगेंगे 4 घंटे 47 मिनट कह रहा है, बट मुझे लगेंगे कम से कम 6-7 घंटे, क्योंकि मैं धीरे ही बाइक चलाऊँगा। भाई करते हैं राइड ऑन हर हर महादेव। जा रहा हूँ, बैग बैग मैंने परफेक्ट बांध दिया। तो चलते हैं भाई, ये है हमारी गुरुद्वारा रोड। तो भाई ये टोटल तो मेरे को पड़ेगा 248 किलोमीटर और इसमें भी दिखा रहा है कि 5-4 घंटे समथिंग, बट हम सोच रहे कि यार हम पहुँचेंगे, आराम से पहुँचेंगे, ज़्यादा इसको हड़बड़ाहट में नहीं करेंगे, आराम से 6-7 घंटे में जाएंगे। क्योंकि भाई मेरी ना ये लाइफ की पहली सोलो ट्रिप ही है जो मैं इतनी दूर जा रहा हूँ बाइक से, वो भी तो आराम आराम से चलेंगे नज़ारे लेते हुए। ये है हमारे यहाँ का सारंग चौक, अब इसके आगे आएगा प्याली। तो भाई अभी हम आगे हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे और फिर यहाँ है सामने आश्रम और फाइनली भाई हम दिल्ली एंटर हो चुके हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से है दिल्ली। अभी भाई हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं, वेलकम टू नोएडा। और यहाँ से हमें जाना है बिल्कुल सीधा और ये हिलना बंद नहीं करेगा मुझे लग रहा है, वाइब्रेशन करता ही रहेगा। सीधा जाना 1.2 किलोमीटर। और भाई बादल देख रहे हो कितने बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं बादल, ये नेक्स्ट लेवल, मतलब जैसे एनिमे सीरीज होती है ना उस टाइप के बल लग रहे हैं बादल पूरे है। भाई मजा। मजे में ना मुझे पता नहीं चला और मैं आगे 125 किलोमीटर दूर, 125 से भी ज़्यादा, अभी बचा 125 किलोमीटर है, इसका मतलब मैं आ गया हूँ लगभग 135 किलोमीटर दूर। और यार मेरे को ना भूख तो इतनी लग नहीं रही, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ पी लेता हूँ। तो मैं अभी आ रहा हूँ, अब आपको दिखाता हूँ।
मैं आ रखा हूँ ढाबा 9 और यहाँ जैन शिकंजी भी है। तो मैं सोचा था एक जैन शिकंजी पी लूँ यार, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो अभी चलते हैं अंदर और ऑर्डर करते थे फटाफट। यार यहाँ ना वैरायटी बहुत सारी है, बट मेरे को अभी भूख नहीं लग रही, तो मैं सोच रहा हूँ एक फेमस शिकंजी करवा लेता हूँ बस। बाकी तो ऐसा कुछ है अंदर। ओके तो शिकंजी लेते हैं और फिर बाहर ही चलते हैं, अपनी बाइक के पास ही चलते हैं, वहीं पीएंगे। या तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इधर बैठ के मैं अपनी बाइक पर भी ध्यान दे सकता हूँ, वो खड़ी मेरी बाइक। तो भाई हमारी फ्रेश शिकंजी आ गई है, वैसे उसे ट्राई करते भाई कैसी होती है। बढ़िया शिकंजी है, मज़ा आ रहा है। गर्मी में नया शिकंजी पीने का मज़ा आ रहा है वैसे। तो चलो भाई चलते हैं, शिकंजी तो पी ली हमने, अब बाइक सीधा रुकेगी ऋषिकेश या हरिद्वार। हरिद्वार अभी यहाँ से है, दिखा को नीड़ा दिखा को, अभी यहाँ से है 125 किलोमीटर ऋषिकेश, तो हरिद्वार होगा अप्रोक्स 100 किलोमीटर, हरिद्वार रुकेंगे। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में सामने आपको दिख रहा है ओम ब्रिज, ये ओम के शेप का है, तो इसलिए इसका नाम ओम ब्रिज पड़ा है। और साइड में ही हमारे गंगा जी भी है, यहाँ से मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर होगा जहाँ पर को जाना है। जिस जगह मेरे को जाना है उसका नाम तो मेरे को पता नहीं है, वैसे ऋषिकेश से 8-10 किलोमीटर पहले ही पड़ेगा वो, वहाँ की नियर बाई लोकेशन है राणा फार्म हाउस, मुझे राणा फार्म हाउस के उधर ही जाना है। तो देखो भाई हरिद्वार, और भाई उधर वहाँ देखो वहाँ मंदिर है, अब वो मेरे को पता नहीं चंडी देवी मंदिर है या मनसा देवी मंदिर है, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है। आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए वो कौन सा मंदिर है, मैं ना भूल जाता हूँ हमेशा। मुझे याद तो सब है, एक इस तरफ है मंदिर, एक इस तरफ है मंदिर, तीन चार मंदिर ऐसे हैं जो बहुत हाइल्टी में है। हरिद्वार में गया मैं सब जगहों में, अंजनी देवी भी गया हूँ मैं। और भाई यहाँ से अंदर जाके है हर की पौड़ी का रास्ता, देखो सामने भी लिखा है, यहाँ से अंदर की तरफ जाओगे तो आप हर की पौड़ी की तरफ जाओगे। मगर यार भीड़ देख रहे हो, कितनी भीड़ है, भयंकर भीड़ है भाई, गाड़ी वाले बाइक वाले सब आ रखे भाई इधर। हरिद्वार में बहुत भीड़ है, अगर हरिद्वार आपको आना है ना कभी, तो आप मान लो कि सुबह ना 5-6 बजे आप हरिद्वार पहुंच जाओ तो आपको ना भीड़ नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। मगर इस समय अगर 10-11 बजे ऐसे आओगे ना तो आपको बहुत अंधी भीड़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी दोपहर में आपको 11-10 बजे करीब, जैसे अभी मिल रखी है भाई। मुझे अभी घर से निकले हुए हैं, टाइम कितना हो रहा है, 10 बज गए ना। और देखो ये है भाई हरिद्वार का डैम, अभी देखो जैसे पर पूरा पानी इधर रोक रखा है, इधर का पानी पूरा, ये देखो इधर पूरा पानी रोक रखा है इन्होंने। और इसके पीछे है हर की पौड़ी, भाई देखो ये है हरिद्वार का फेमस केबल ब्रिज, और इसके बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में है बाबा भोलेनाथ की मूर्ति, देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, ये बहुत फेमस मूर्ति है बाबा भोलेनाथ की, आपने हरिद्वार के बहुत सारे वीडियोस में इस मूर्ति को देखा होगा, देखो बहुत बहुत बड़ी मूर्ति है ये वैसे वीडियो में छोटी दिख रही होगी बट है वो बहुत बड़ी मूर्ति। भाई अभी हम हैं राजा जी रिजर्व फॉरेस्ट में, और भाई ये नज़ारा देखो यार, कितना सॉलिड नज़ारा है ना यार, ये पूरा बीच से हाईवे निकल रहा है, दोनों तरफ जंगल भाई, नेक्स्ट लेवल जगह है भाई, मज़ा आ गया भाई। हाँ ऋषिकेश रहता है अभी टोटल 14 किलोमीटर,